जय श्री श्याम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा पर स्वागत है। बड़े सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। आज जानेंगे कैसे हुई थी शारदीय नवरात्रों की शुरुआत और जानेंगे पौराणिक कथा भी। शारदीय नवरात्रि माता दुर्गा जी की उपासना का पर्व है। यह पावन पर्व श्राद्ध खत्म होते शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा अधिक मास होने के कारण संभव नहीं हो पाया। इस साल नवरात्रि पर्व 17 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 25 अक्टूबर तक चलेंगे। शारदीय नवरात्रि का महत्व। मित्रों, धर्म ग्रंथों एवं पुराणों के अनुसार शारदीय नवरात्रि माता दुर्गा जी की आराधना का श्रेष्ठ समय होता है। नवरात्र के इन पावन दिनों में हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, जो अपने भक्तों को खुशी, शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। नवरात्रि का हर दिन देवी के विशिष्ट रूप से समर्पित होता है और हर दिन देवी स्वरूप की कृपा अलग अलग तरह से मनोरथ पूर्ण होते हुए नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना का पर्व होता है, इसलिए मनाई जाती है शारदीय नवरात्रि। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का त्यौहार मनाए जाने के पीछे दो कारण हैं। पहली, पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस जो ब्रह्मा जी का बड़ा भक्त था, उसने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान में उसे कोई देव, दानव या पृथ्वी पर रहने वाला कोई अन्य पुरुष, मनुष्य ना मार सके। वरदान प्राप्त करते ही वह बहुत ही निर्दयी हो गया और तीनों लोगों में आतंक मचाने लगा। उसके आतंक से परेशान होकर देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ मिलकर माँ शक्ति के रूप में दुर्गा को जन्म दिया। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और इस दिन अच्छाई पर बुराई की जीत का रूप में यह पर्व मनाया जाने लगा। मित्रों, द्वितीय जो कथा है, उस कथा के अनुसार भगवान श्री राम जी ने की थी नव दुर्गा जी की उपासना। दूसरी कथा के अनुसार राम जी ने लंका पर आक्रमण करने से पहले रावण के संग युद्ध में जीत के लिए शक्ति की देवी माँ भगवती की आराधना की थी। रामेश्वरम में उन्होंने 9 दिनों तक माता की पूजा करके उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने श्री राम को लंका पर विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन भगवान राम ने लंका नरेश रावण को युद्ध में हराकर उनका वध कर लंका पर विजय प्राप्त की। इस दिन को विजयी दशमी के रूप में भी मनाया जाता है। पूरे साल में, मित्रों, पूरे साल में कुल मिलाकर 4 नवरात्रि पर्व आते हैं, जिनमें चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। व्रत रखने का अधिक महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्रि का होता है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में व्रत करने पर माँ का आशीर्वाद मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नवरात्रि में होती है माँ दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघटा, चौथे दिन माँ कृष्णमांडा, 5वें दिन माँ स्कंद माता, 6ठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन और अंतिम दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन विधि अनुसार घट स्थापना का भी मित्रों विधान है। इसी विधान के तहत नवरात्रि रखे जाते हैं, जिससे माँ दुर्गा का हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय श्री श्याम, जय माता दी, जय हो।